ओके, एमआरआई का लेक्चर है, लेट्स सी इसमें क्या है। ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, दिस इज समथिंग इजी, इसको छोड़ दें। इंट्रोडक्शन, ओके, वी आर वॉचिंग के, अच्छा दिस इज इम्पोर्टेंट। इसका ये है प्रिंसिपल के मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है रेडियो वेव्स, तो डिटेल। अच्छा, सबसे अच्छी इमेज हमारे पास एमआरआई की आती है, बहुत अच्छी इमेज आती है, बहुत अच्छी रेजोल्यूशन होती है। बट द प्रॉब्लम इज हमें बोन की पैथोलॉजीज, बोन भी वैसे नजर आ जाती है, लेकिन बहुत जो अच्छी ज्यादा बोन नजर आती है वो हमें सिटी में नजर आती है। लेकिन इसका ये है कि इट हैज नॉट इंक्लूडेड एनी ऑफ द आयनाइजेशन रेडिएशन, ठीक है। तो इसको एनएमआर भी कहते हैं बिकॉज न्यूक्लियस से इसका बेसिक ताल्लुक होता है, उसमें ये आयनाइजेशन रेडिएशन नहीं होती। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और वाइवा का क्वेश्चन, 1 to 80 MHz इसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी है। सो नेक्स्ट, ये आपको डायग्राम है। अब कॉइल्स कौन कौन से होते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल होते हैं और एक ग्रेडियंट कॉइल होते हैं। ये डिटेल में जब पढ़ते हैं तो इनका हमें फंक्शन समझ में आता है। सो नेक्स्ट इज एनएमआर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं उनकी रेजोनेंस हो रही होती है, वो स्पिन कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली। उन उनकी उस स्पिन को हम बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लगा के, रेडियो फ्रिक्वेंसी लगा के, उस स्पिन को जो है हम कंट्रोल में लेके आते हैं, जिसकी वजह से जब वो शिफ्ट होती है उनकी स्पिन, तो हमारे पास रेज, गैमा रेज और ये जो है, सॉरी गैमा रेज के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिर रिलीज होती है। वो फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, जब वो वापस आती है तो हमारे पास इमेज बनता है। तो इंटरेक्शन बेसिकली एटॉमिक न्यूक्लियस में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अंदर उसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी फील्ड को हम बाहर की फील्ड के साथ, ये बाहर की फील्ड है मैग्नेटिक, वो हम एक्सपोज करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ और उससे हमें इमेज मिलता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एमआरआई, एनएमआर। सो इंट्रोडक्शन हो गया, यूजेस मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इन मेनी केसेस एमआरआई गिव्स इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दिस ये प्ले स्लाइड फॉर गया, ठीक है। हाउ डज इट वर्क्स, ओके। आर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, रेडियो वेव्स एंड फील्ड ग्रेडियंट्स टू जनरेट इमेजेस ऑफ द ऑर्गन एंड बॉडी, डज नॉट इन्वॉल्व एक्स रेज, कंप्यूटर सिटी, अच्छा वाइल हैजर्ड्स ऑफ एक्स रे आर ना, ओके। एमआरआई स्टिल मे बी सीन एज सुपीरियर टू सिटी, देखा इसमें बहुत अच्छी इमेज आती है। हाउ डज इट वर्क्स, इज बेस्ड ऑन साइंस ऑफ एनएमआर, सर्टन वही बात आ जाती है, आर एबल टू एब्जॉर्ब, जो न्यूक्लियाई हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इमिट करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी को, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम लोग ना अरेंज करते हैं किसी तरीके से। बाहर से हम रेडियो फ्रिक्वेंसी देते हैं, फिर अंदर से एमिट होती है, एंड दैट इज हाउ वी गेट द इमेज। इन क्लिनिकल एंड रिसर्च एमआरआई हाइड्रोजन एटम्स आर मोस्ट ऑफन यूज टू जनरेट अ डिटेक्टेबल रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल दैट इज रिसीव्ड बाय एंटीनास इन क्लोज, अच्छा वही हाइड्रोजन एटम्स जो हैं हमारी बॉडी के वाटर मॉलिक्यूल्स में, हम उसके स्पिन को जो है यूज करते हैं और ये आ जाता है हमारे पास। हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो के 1971 में ये इन्वेंट हुई है, ये आजकल टीचर्स पूछ लेते हैं आराम से। ओके, वो कहते हैं कि ही रिपोर्टेड दैट एनएमआर इमेजिंग कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश नॉर्मल एंड डिजीज टिश्यू, बट ही हाउ इट नॉट डिस्क्राइब द मेटल जनरेटिंग पिक्चर्स फ्रॉम सच अ स्कैन। ओके, दिस इज जस्ट द हिस्ट्री, इसको छोड़ ही दें, कोई भी नहीं पूछेगा, बट यू शुड एक बस उसको रीड कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो एसेंस इट्स अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है ठीक है। प्रोमिनेंट है ये डायग्नोस्टिक मेडिसिन, बायोमेडिकल रिसर्च, ये तो कॉमन सी चीजें हैं। इसमें यही करने वाला, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अगेन वही चीज आ जाती है। कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है, इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है हमारे पास। इंटरनल ऑर्गन्स, ये नॉन इन्वेसिव होता है, इसमें आपको कट्स वगैरह कोई नहीं है, वही बात है आपने गेंट्री में पेशेंट को उठाना है, इसकी गेंट्री कमरे की तरह की होती है, जिसमें आपको गार की तरह की, सिटी की गेंट्री ओपन होती है दूसरी साइड से, बट एमआरआई की बंद होती है, दैट इज द डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये कि इसकी रेजोल्यूशन
बहुत अच्छा इमेज आता है, आयनाइजेशन नहीं है, ये सारे डिफरेंसेस हैं, यू हैव टू कीप दीज इन माइंड। सॉफ्ट टिश्यू की बहुत अच्छी इमेज आती है। ओके ब्रेन की आ जाते हैं अब हम। ओके दिस इज इम्पोर्टेंट, ब्रेन में हम क्या देखते हैं? न्यूरोलॉजिकल, सॉरी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कैंसर्स, रेजोल्यूशन अच्छी दिखाता है, पोस्टीरियर फॉसा की बहुत अच्छी इमेज आ जाती है हमारे पास, ग्रे और व्हाइट मैटर बहुत अच्छा नजर आता है। इसमें हम T1 T2 भी डालते हैं, वो भी बहुत अच्छा शो कर देता है। CNS की जितनी भी डिजीजेज है, जैसे डीमाइलिनेटिंग डिजीजेज, डिमेंशिया, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीजेज, इन्फेक्शन डिजीजेज, एपिलेप्सी, ये सारी जो चीजें बहुत अच्छे से हमें नजर आ जाती हैं। सो यू हैव टू लर्न द डिजीजेस। फंक्शनल स्ट्रक्चरल ब्रेन हम देखते हैं, हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखते हैं, यू हैव टू डू दिस। ओके कार्डियक MRI, इकोकार्डियोग्राफी के लिए कार्डियक सीटी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो अब हमारी है स्कीमिया, मायोकार्डियल स्कीमिया के असेसमेंट के लिए कार्डियोमायोपैथीज, मायोकार्डाइटिस, आयरन ओवरलोड, वास्कुलर डिजीजेस, कंजेनिटल, ये सारी चीजें देखने के लिए। दिस इज दीज आर जस्ट यूजेस, आपको सिर्फ ये इसमें यूजेस करने हैं। मस्कुलोस्केलेटन जॉइंट डिजीजेस देखेंगे, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर्स देखेंगे, लिवर पे आ जाते हैं, सो हेपेटोबिलरी MRI उसे कहते हैं, लीजन्स लिवर के, पेंक्रियास के, बाइल डक्ट्स के, फोकल या डिफ्यूज। फोकल इज लोकलाइज, यानी कि एक ही जगह पर जो होते हैं, ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला डॉट ब्लैक, इसको कहते हैं फोकल लीजन। अब आपको डिफ्यूज बताऊं कैसे नजर आएगा, ऐसे इधर आपको एक मैस नजर आ रहा है और ये बीच में इसके वो है, हाई लेवल्स एंड लो लेवल डेंसिटीज होंगी, और फिर आपको साथ पूरा टिश्यू इस तरह खराब खराब सा। तो दिस इज समथिंग विच इज डिफ्यूज, ये फोकल नहीं है। फोकल टिश्यू में आपको ऐसे नजर आएगी, ये बिनाइन सा क्लियर मार्जिन के साथ, ठीक है। सो डिफ्यूजन, यूजिंग डिफ्यूजन और पोस्ट फेज इमेजिंग के थ्रू। अच्छा अब इसमें कैसे हमें नजर आता है फोकल और डिफ्यूज डिसऑर्डर्स ऑफ लिवर में भी इवेल्यूएटेड यूजिंग डिफ्यूजन वेटेड और पोस्ट फेज इमेजिंग एंड डायनेमिक एनहांसमेंट सीक्वेंसेस। तो ये सीक्वेंसेस हम अप्लाई करते हैं, आप कह लें फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली MRI का बहुत अच्छा होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट यूज करके ना तो ये कर सकते हैं चेंजेस। एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज होते हैं। फिर MRI इंटेरोग्राफी, दिस इज इंटेस्टाइन की स्टडी, इंटेरोग्राफी, नॉन इन्वेसिव असेसमेंट ऑफ इंफ्लेमेटरी IBD, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज। आपसे कोई पूछ ले IBD क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, इट इज बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज इन स्मॉल बोवल ट्यूमर्स देखने के लिए। हमारे कोलोनोग्राफी जैसे लार्ज इंटेस्टाइन की, पॉलिप्स देखने के लिए, कोलोरेक्टल कैंसर देखने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन के। फंक्शनल MRI ब्रेन के लिए होती है, ठीक है, सबसे पहली बात। और हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई और पैसिव एक्टिविटी इन अ रेस्टिंग स्टेट, ब्लड ऑक्सीजन लेवल। अच्छा बोल्ड, ब्लड ऑक्सीजनेशन लेवल डिपेंडेंट fMRI मेजर्स द हीमोडायनेमिक रिस्पॉन्स टू ट्रांजिएंट न्यूरल एक्टिविटी रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द रेशियो ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन की रेशियो देखते हैं, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की रेशियो देखते हैं, इनकी रेशियो का जो चेंज होता है वो हमें न्यूरल एक्टिविटी बताता है, ठीक है, ट्रांजिएंट के कितनी न्यूरल एक्टिविटी चेंजेस क्या आ रहे हैं इनके चेंज की वजह से। ट्रांजिएंट का भी मतलब होता है चेंजिंग, ठीक है, ट्रांजिशन से ये वर्ड आया। तो चेंज इनकी रेशियो में से चेंज आता है न्यूरल एक्टिविटी में, और उससे हीमोडायनेमिक रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं कि हमारा ऑक्सीजन का लेवल कितना था, कितना राइज कर गया, उससे क्या टिश्यूज पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और fMRI इसको मयर करता है, और इस fMRI के ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को या ऑक्सीजनेशन लेवल को, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लेवल को, इस रेशियो को मयर करने वाली मोडेलिटी fMRI की जो है उसको हम बोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी है कॉम्प्लेक्स सी चीज। ओके इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं।
3D पैरामीट्रिक मैप बना देता है ब्रेन का, कॉर्टेक्स का, चेंजेस इन एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू टास्क सारे, यानी कि आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे, विच हॉर्मोन इज बीइंग रिलीज्ड कब हुआ, और पेशेंट एंगर में था तब हुआ, उसके अंदर कौन सा केमिकल ज्यादा हो गया, कौन सा आयन ज्यादा हो गया, बिहेवियरल कॉग्निटिव रिसर्च प्लानिंग न्यूरो सर्जरी के लिए जो है ये चीज, हाँ हम जो है ना इसको यूज करते हैं, fMRI की ब्रेन की है ये सारे। ऑनकोलॉजी इज बेसिकली सिंपल कैंसर, ठीक है, रेक्टल है, प्रोस्टेट का कैंसर है, स्टेजिंग के लिए यूज होता है, फॉलो अप के लिए यूज होता है। इंटरवेंशन आ जाती है हमारे पास, अच्छा इंटरवेंशन द लैक ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द पेशेंट एंड ऑपरेटर मेक MRI वेल सुटेड फॉर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है ना पेशेंट को ना ऑपरेटर को, तो आपके पास ये जो है एक अच्छी इमेजिंग मोडालिटी है। और दूसरी बात ये कि इमेजेस जो हैं वो मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स के थ्रू है, आपने जस्ट कॉन्ट्रास्ट डालना होता है, कोई कट्स कोई इंसीजन नहीं करनी है आपने, नो फेरोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स। वाई, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मैग्नेटिक स्पिन को कंट्रोल करते हैं, और आपने हमें याद होगा कि FSC में हम मैग्नेटिक स्पिन पढ़ते होते थे मेटल्स का, कंडक्टर्स का, अगर स्टेंट, अगर कोई भी हम लोगों ने जैसे जॉइंट की सर्जरीज होती हैं उसमें हम लोग मेटल के जो हैं वो जॉइंट्स डालते हैं पेशेंट के अंदर, हम स्टेंट्स डालते हैं, हम इम्प्लांट्स लगाते हैं, जो लोगों के दांत होते थे पुराने लोगों के वो भी मेटल के होते थे, आज भी किसी के होंगे, या आपके अंदर कोई डिवाइस लगा हो तो वो बेसिकली वो मेटल का बना हुआ है, और इसीलिए फेरोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हम नहीं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि अगर किसी के पास मेटल है तो उसका MRI नहीं होगा, स्टेंट डला हुआ है उसका MRI नहीं, क्योंकि स्टेंट तो उसको खींच लेगा पूरा, उसका पूरा स्टेंट जो है वो अट्रैक्ट, वो इधर उधर हिल जाएगा उसका तो सारा, वो तो जाहिर है मैग्नेटिक फील्ड है तो वो तो डिसलोकेट हो जाएगा पूरी बॉडी में, तो दिस इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन एज वेल। अ स्पेशलाइज्ड ग्रोइंग सबसेट ऑफ इंटरवेंशनल MRI इज इंट्राऑपरेटिव MRI इन विच डॉक्टर्स यूज MRI इन सर्जरी। अब ये कि सर्जिकल, इसका डायग्नोस्टिक यूज तो है, सर्जिकल यूज भी है। सब स्पेशलाइज्ड MRI सिस्टम्स अलाउ इमेजिंग कंकरेंट विद सर्जिकल प्रोसीजर, प्रोसीजर की सक्सेस और गाइड सब्सिक्वेंट, जो भी सब्सिक्वेंट गाइड हमें जरूरत है कि हमें कहाँ पे जरूरत है और आगे जाने की सर्जरी में, उस लिहाज से MRI वाज वाइडली यूज्ड। ओके ठीक है, ये देखें वही बात आ गई, व्हाई इट इज प्रेफर्ड ओवर सिटी, ठीक है एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि एक तो हम ऑलरेडी जो पेशेंट जिसके अंदर मेटल है उसको नहीं कर सकते, फिर एक तो ये एक्सपेंसिव बहुत है, फिर ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, इसमें क्लास्ट्रोफोबिया बहुत होता है, लाइक पेशेंट डर जाता है, गेंट्री देख के अंदर नहीं जाना चाहता, MRI कराने के लिए तैयार हो जाता है, हम उसका कैंसर डायग्नोज करने की लास्ट स्टेज पे पहुंचे होते हैं, और जब जैसे ही उसको MRI रूम में लेके जाते हैं वो गेंट्री देख के जो है ना कमरे से बाहर आ जाता है, ये बहुत दफा होता है, और ये इसको क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं कि पेशेंट गेंट्री से घबरा जाता है, तो इसको कंट्रोल करना, अक्सर वो कंसेंट ली हुई भी वापस ले लेता है, तो वो नहीं करवाते है, लोग नहीं करवाते, स्पेशली जो बेचारे थोड़े से कन्वेंशनल लोग होते हैं, ओल्ड ऑर्थोडॉक्स ओल्ड फैशन लोग होते हैं, तो वो दे वेरी सिंपल, बट वो ये कि घबरा जाते हैं इस वजह से। सीरियस केसेस भी मैंने देखे, अपनी फैमिली में भी देखे हुए दो तीन, किसी MRI उन्होंने करवाई ही नहीं, तो होता है।